देखो ये देखो कौन उठ गया है, ये देखो कौन उठ गया है, करार उठ गया है, हाय हाय कर दे, हाय हाय बाय बाय कर दे, बाय बाय बॉय बॉय। तो पीते हैं पानी, बीश 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 बैठ के पीते हैं। अच्छा यारो चौथा दिन है और चूजे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जिंदा है, और ये वाला तो शुरू से ही आपको पता है चलाक है और इसने खाना खाया हुआ, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सुस्त हुआ है, बीमार सा है और इसने कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया हुआ है, और ये ना बिल्कुल जो है ना अपनी आखिरी सांसें लेने, क्या कर रहा है बे। तो ये इसको ना मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ ऐसी चीज़ दूँ कि ये ना सरवाइव कर जाए ना, तो इसको खिलाते हैं कुछ, मैं सोच रहा हूँ अंडे की जर्दी, ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं प्रोबायोटिक वगैरह देने, तो इसको देते हैं अल्लाह करे ये सरवाइव कर जाए। ये हमारा फार्मूला तैयार हो चुका है, अब ये जाएगा इसमें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हो? ओ वाह भाई वाह, ईद मुबारक, तुम तो तैयार हो के आ गए हो, बात है खेड़िया शेड़िया, आपने भी खेड़िया पहनी है, वाह भाई वाह जबरदस्त दोस्त पक्के, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ और भी अभी तैयार नहीं हुआ, देखा ये भी अभी तैयार होगा, हम भी तैयार होंगे, सही है गुड गुड, घूमने जरूर जाना, बच्चों को जी ईद देते हैं, सुभाष ने भी अभी तक मुझे ईद ही नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि आपकी सुबह भी हुई। अच्छा मेरी सुबह भी हुई, खैर ये बच्चों को अभी ईद ही देते हैं ताकि वो भी खुश हो जाएं। ये लो जी, ये आपकी हुई और ये आपकी, ठीक है इंजॉय। ये देखो ये उनसे मांग रहा के दियो मुझे, वो को आपके हैं वो तो उनके हैं, हैं ईदी बच्चों को मिल गई है। खैर मैं भी अभी थोड़ी देर में तैयार हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी रात जो ठीक नहीं गुजरी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतरी है, तो अब तैयारी करते हैं। यहाँ पे जी अपना नाश्ता तैयार हो रहा है, सहरी के बाद आज पहली बार जो है सुबह नाश्ते में नाश्ता हो रहा है सुबह के टाइम, और यहाँ पे जी चाय भी बन रही है कड़क चाय, ये तो पत्ती देख रहे हैं नहीं कड़क किस्म की, और अभी ये हाफ फ्राई यहाँ पे बनना है। तो बात कितनी ईदी दे रहे हो यार मुझे यार, भाई आप यार ये देख रहे हैं अभी बैंक से निकलवाया मेरा के दे दिया, फोटो शूट करने उसके बाद ईदी मिलेगी, बल्कि ईदी आपको देनी चाहिए, अपना फोटो शूट तो मुकम्मल हो हैं, आज हम फोटो शूट करेंगे, जरूर करेंगे जी जरूर करेंगे, अगर हिम्मत हुई हमारे में तो हम जरूर करेंगे। और ये अपना अंडा भी फ्राई होने लग चुका है, आय हाय हाय, तो ये फ्राई होता है ना क्या ही जबरदस्त लुक देता है यार। ये ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं, और ये जो बिल्ली के बच्चे हैं ना इनका क्या किया जाए, ये देखिए बहुत छोटे हैं ना, ये देखो इन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली, इतने छोटे हैं, अब इनका क्या किया जाए। ये देखो ये जो धोबी के पीछे पड़ा हुआ ये जो जा रही है ना, और ये बैठा हुआ कि इसको मैं पकड़ू, इसकी छोड़ दो चलो, ये रहे बिल्ली के बच्चे, वो बहुत छोटे हैं अभी आंखें भी नहीं खोली इन्होंने, ये बहुत छोटा। हमने जी टेबल उठा दी वहाँ से, तो बिल्ली अभी इधर टायर के नीचे ना इस तरफ ये जा रही है, ये अभी ना अपने बच्चों को ले जाएगी क्योंकि इसको होगा कि खतरा है यार यहाँ पे तो नहीं रख सकते, तो ये ले जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? मैं हूँ वजाहत और आप लोग देख रहे हैं वजाहत अहमद व्लॉग्स। बिस्मिल्लाह से आज के दिन का आगाज करते हैं, और सबसे पहले ईद की मुबारक देना चाहूंगा, चांद रात की तो दी थी चांद रात में, लेकिन ईद वाले दिन की मुबारक तो अलग बनती है, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, खुश रहें आबाद रहें। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी तैयार हो चुका हूं, लेकिन सुबह सुबह जी तैयार मैं नहीं हुआ, इस बार मेरी ईद थोड़ी सी थोड़ी फीकी होगी, लेकिन पिछली बार भी थोड़ी फीकी थी, इस बार हुआ ये कि मैं थोड़ा सा ना बीमार हो गया, और सीन ये था कि मतलब सुबह तक मैं उठने के काबिल नहीं था, तो मैं ज़िंदगी में पहली बार, ये पहली ईद थी जिसमें मैं ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सका और तैयार भी नहीं हो सका, लेकिन अब तकरीबन थोड़ा मैं बेहतर हूँ, तो मैंने कहा चलो तैयारी करते हैं जल्दी से जल्दी, और ईद क्योंकि ईद ईद कपड़ों से ही लगती है, और सलाद भी तैयार हो चुके, अभी आपको उसकी भी लुक मैं दिखा देता हूँ। टाइम जो है वो तकरीबन 10 होने वाले हैं, और कुछ बच्चों को मैंने बाहर ईदी भी दे दी आप लोगों को, शुरू वाले क्लिप्स में मैंने दिखाया, और बाकी ऐसा ऐसा कोई आएगा तो साथ मिलते भी रहेंगे और मज़े करेंगे। आज बना था हलवा स्पेशली, बल्कि कल बना था, कल हलवा बना था गुड़ वाला हलवा, तो वो तो मेरा फेवरेट है, बहुत मजे का यकीन माने। और कल ही कल ना एक खुशखबरी मिली थी, मां ले रहा था स्टोर का,
तो ना आपको बताया कि वो एनओसी भी मुझे मिल गया और मेरे जो है डिवाइस भी वो क्लियर होगी, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। खैर वो अभी तक पहुंची नहीं है, जब पहुंचेगी तो मैं आप लोगों को एक झलक जरूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसकी भी काफी टेंशन बनी थी, वो भी रिलीज हुई है टेंशन। बाहर भी जाएंगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लेनी है ताकि ईद का थोड़ा सा पता भी चले। अच्छा बिल्ली जो है ना इस रूम से अपना एक बच्चा ले गई है, ब्राउन वाला, और ब्लैक वाला मैंने देखना है। ब्लैक वाला अभी तक पड़ा है यार, तो ब्लैक वाले को अभी तक नहीं लेके गई, ब्लैक वाला यहीं पड़ा हुआ है। इसको भी ले जाएगी, मेरे ख्याल है वो जगह ढूंढ रही थी तो उसको छोड़ने गई होगी, अब इसको भी ले ही जाएगी। ये हमने रूम थोड़ा छोड़ा हुआ है, इसको पर्दा भी हटाया हुआ है ताकि ना वो फील करेगी यार मैं, मुझे कोई थ्रेट नहीं है ना, मैं ले लूँ। और यार वो जो हमारा चूज़ा था ना दूसरा वाला, वो भी डैं हो गया। तो ये ना बचते थोड़े बहुत कम ही है, तो इसलिए बस वो शौक के लिए लो, लेकिन इनको पालो तो थोड़ा केयर करनी पड़ती है। और ये देखें कौन आ गया है, सलार तैयार हो चुका है, जबरदस्त, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, सफेद कुर्ता, और ये कल जो हमने शूज लिए थे प्यारे से, ये वो हैं, आहा माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हुई ना ईद। इसके बाबा और सलार ने दोनों ने एक ही कलर का सूट पहना है, सफेद कुर्ता, जबरदस्त। और इसकी जो ये इसकी जो जैकेट है ना बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मैं जेलिस हो रहा हूँ कि मेरी भी होनी चाहिए थी, कार्टूनों में इतना गुम है ना। कार्टून लगे पड़े ना। अभी सलार और मैं और पूरी फैमिली जो है हम सैर पे भी जाएंगे, पिक्चर्स लेने, यहू तक बॉटल चेक कर रहे हैं। ये है जैतून के तेल की बॉटल, आइफा जैतून का तेल, कहाँ रखा हुआ है, नेचुरली डिलीशियस ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये हमने मैंने पीना है। और ये इसमें लीमू डाला हुआ है, और ये टोटका गा रहा हूँ, ये जैतून का तेल, लीमू, और ये आपने नहीं पीनी, ये उठ गया है, ये भालू जो है ये थोड़ी देर सोए घंटा एक और अब उठ गया, ये बोरे ये नहीं पीना आपने, ये बहुत कड़वा होता है। ओए होए होए होए, ये जा रहा है शहद, हाँ जी जाने दें, ओए होए होए, लीमू पानी सादा तो आपने पिया होगा, लेकिन ये इन दोनों शहद और जैतून के तेल के साथ मज़ा ही कुछ हो। सालार को तो ईदी भी मिली है, चाचू की तरफ से भी मिल चुकी है, दादा की तरफ से भी मिल चुकी है, ये भी मुझे दे दें, मेरे पास जमा करवा देना, फिर आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है, ये मुझे मेरे पास जमा कराएं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने अपना कैमरा ले लिया है, को भी ले रहा हूँ सलार, ये ट्राईपॉड पड़ा है ना, ये इसके साथ खेलने लगे, ये भी लेके जाना है क्योंकि फोटोग्राफी करनी है तो ये जरूरी है। हेलो, ये जी ईद मिलने आया, ये छोटा ईद मिलने आया, कैसे हो, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। अभी हम चलते हैं, कवर उठाते हैं, चीजें रखते हैं, ये सलार को देखें, ये बाहर आ चुके, दरवाजा खुला देखा नहीं है और दौड़ लगा के बाहर आ गया बिल्ली के पीछे, आ जाओ गाड़ी पे जाने, आ जाओ मामा, ऐसे चलो आ जाओ, ओह गाड़ी से कवर हमने हटा लिया, बस अब चलते हैं, बैठ जाओ ना गाड़ी में, ठीक है फिर चलते हैं। सलार चलें, चलो जी चलते हैं। ये लो ठीक है, और बना दिया ठीक है। ये लो जी सवाब भी, ओ मेरे कपड़े भाई। चले जी हम जा रहे हैं एक पार्क, और आप लोग देख रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, ये सारे ना दूसरे शहरों से आए हुए हैं लड़के, ये लेक व्यू पार्क जा रहे हैं, और इस्लामाबाद वाले अपने ज्यादा घूमने नहीं जाते, लोग घर में ही होते हैं, हम वैसे आज निकले वीडियो के लिए, तो जो है ना ये देख रहे हैं सारे जो पार्क हों इधर उधर घूमने शूमने सारे, हर कोई निकला हुआ है, तो अभी किधर, अभी तो और भी रश होना है, क्यों सब बात ऐसे। और जनाब ये हम पहुँच चुके हैं, ये है जैस्मिन पार्क, फिलहाल जो टाइम है ना इसमें अभी रश नहीं है, तो हम इधर जल्दी से जल्दी जो है ना घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। चलो चलो चलो, खुली जगह मिल गई सलार को, घूमो घूमो घूमो, मज़े, दरख्त हैं, फूल हैं, कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुत्ते क्यों घूम रहे हैं यार, ये देखो सिक्योरिटी सख्त है यहाँ की। वैसे तो वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, लेकिन पार्किंग मिली नहीं है, तो हमने इधर छाँव में साइड पे खड़ी की है, धूप भी ना हो ना सर। ये चक्कर है जी, यहाँ पे आर्टिफिशियल जो है नहर तामीर की गई है, ये पानी वाला पाइप नज़र आ रहा है, और ये ऐसे नदी सी जा रही है, पहले हम समझे नाले का पानी है यार, मछलियाँ भी हैं, मछलियाँ नहीं है, खरगोश हैं, सॉरी मेंढक। पार्क में बहुत मज़ा आ रहा है जी, छाँव छाँव सी होगी, शुक्र है धूप जो है वो कम हुई है, बादल आ गया, वहाँ पे झूले लगे हुए, काफ़ी शोर है उनके,
हमने अपनी सारी पिक्चर्स बनवा ली, अब तो पसीने आ रहे हैं क्योंकि पानी वाली बॉटल लाए हुए थे। और यस मौसम ठीक है, वरना हाल नहीं था। अब अभी हमने खाने का मूड बनाया और चीजियस आए, ये रहा हमने चीजियस यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। तो ये हमने चीजियस का जी मेन्यू उठाया और इसमें सबसे मज़े का जो है ना क्राउन क्रस्ट वाला लगता है, तो ये करवाते हैं हम लार्ज में। ये आपने लार्ज करना है, क्राउन क्रस्ट। क्राउन क्रस्ट हाँ जी। ये देखो मेरी ड्राइविंग सीट किसने संभाली है, 20 मिनट कह रहे हैं कि 20 मिनट लगेंगे तो उसके बाद हम आते हैं। ओ माऊ माऊ आ गई, ओ माऊ, सब सालार को माऊ दिख गई है तो माऊ माऊ कर रहे हैं। और सबहत गया हुआ है पेप्सी लेने, वो खड़ा हुआ है सामने, पेप्सी ली जा रही है जनाब, पेप्सी ली जा रही है, यस, क्योंकि पिज्जा के साथ पेप्सी मजा करेगी। हमने थोड़ी पार्किंग जी गाड़ी जो है थोड़ी पार्किंग में खड़ी की है, वेट अभी भी चल रहा है और कॉल उन्होंने कर दी है, वो अभी ला रहे हैं पिज्जा। इतनी हाथ लगा सही है, आखिरी में जी हमारा पिज्जा आ चुका है और सवाद ने पहले क्लिप बनाया वो पोर्ट्रेट में बना दिया है। मैंने कहा यार मैंने कुछ रील बनानी है जो तुमने वो खैर डिलीवरी देके गया, और ये अब हम खाएंगे किसी ग्राउंड में बैठ के खाएंगे, गाड़ी में जरा थोड़ी कंजेस्टेड हो जाती है जगह। चले जी ये रखते हैं, हमने पार्क ढूंढ लिया और छांव भी ढूंढ लिया, वो सामने स्पॉट है वहाँ बैठ के जी मजे करेंगे, चिल माहौल थे, मिठे चौल आज ही खाएंगे, आज ही खाएंगे यार। यार पिज्जा जो है ना यकीन माने बहुत मजे का, इसलिए इन्होंने पॉपुलैरिटी बहुत ली है। चलो जी हम इसका इफ्तिताह करते हैं और ये आई थिंक बंद है, सलार गिरा ना देना इससे पहले कि आगे। ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा है हमारे बे, ये तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया। चलो जी अब मजे लेके खाते हैं, चेक करो लो, चेक करो ये क्राउन कर। अब हम खाते हैं पिज्जा, खाता यहाँ पे डन हुआ और अब हम रवाना होते हैं घर की तरफ। धूप इतनी सख्त थी और ये बंदा जो है धूप में कोट पैंट पहन के बैठा हुआ है, समझ से बाहर इसको है क्या। और ये देखें हमारी तरफ भी देख रहा था, ये बैठा ही रहा है उतने तक। चलो भाई चलते हैं, अपनी गाड़ी देख के निकलते हैं। तो सैर करके हम जी आके थोड़ा देर बैठ गए थे रेस्ट करने, मैं व्लॉग एडिट करने लग गया था, अभी तकरीबन 4:30 का टाइम होने वाला है और मैं बाहर गया हूँ तो बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पीला पीला मौसम हो रहा है, पीले पीले से मुराद मतलब बादल आए हुए हैं जबरदस्त किस्म के, ओए होए होए हवा चल रही है, इसका मतलब बारिश आई की आई। वो देखो चील को देखो कैसे पीछे जा रही, इतनी हवा है, वो देखो जा नहीं सक रही। बहुत ही मजे की ठंडी ठंडी सी हवा लग रही और इस तरफ काले बादल, वो चेक करो गहरे गहरे काले बादल। अभी मेरा मूड हो रहा था कल ना, हम कॉर्न्स भी लाए हैं, फ्रोजन कॉर्न्स, ठीक है वो स्वीट कॉर्न्स होते हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अभी बनाने का दिल करता, इनका बनाते हैं और खाते हैं, सलार को भी उम्मीद है पसंद आए। तो ये रहे जी कॉर्न्स, गोल्डन स्वीट कॉर्न्स ओपा, पूरे रमजान में ढूंढता रहा हूँ लेकिन नहीं मिले जी, हमेशा से पसंद थे। क्या बोला तूने पहले, क्या बोला, चल चला चलो। तो ये कॉर्न ना मैं पहले थोड़े से निकालूंगा और इसको फिर से फ्रीजर में रखूंगा क्योंकि नहीं खराब हो जाएंगे अगर यहाँ पड़े रहे। ये ईद का पहला दिन है और हम कॉर्न्स खाते हैं, कॉर्न्स, और ये नीचे आग जला ली है और इसमें डालते हैं, पहले ये पानी डालते हैं ना ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि ये कच्चे होते हैं ना, नरम होंगे फिर उसके बाद हम इनको थोड़ा ऑयल में फ्राई करेंगे जब पानी सूख जाएगा, फिर उसमें नमक मिर्च और नींबू ये तीन चीज़ें और ऑयल ऑब्वियसली वो फ्राई कर रही थी, वो इतने मज़े के बनते हैं। तो ये जो पैकेट वाले कॉर्न्स होते हैं ना, ये ना स्वीट कॉर्न्स होते हैं, मीठे होते हैं और इनको ज़्यादा उबालने की देर नहीं होती, मतलब ये अभी मैंने डाला है 5 से 6 मिनट ज़्यादा इसे उबाल देंगे, उसके बाद पानी सूखने तक ना कर लेंगे। लेकिन जो छली के दाने हम लेके आते हैं ना, छली जो होती है उसको बहुत टाइम चाहिए होता है, उसको घंटा एक उबलने का चाहिए होता है फिर जाके पकते हैं, ये ऑलरेडी पके होते हैं और ये मीठे भी होते हैं। पूरा पानी खुश नहीं हुआ और मैंने ना इसमें थोड़ा सा नमक डाला चुटकी भर, ठीक है हसबे जायका जिस जो अपना डालना होता है, उसके बाद इसमें मिर्चें डालते हैं, ये रहा डब्बा मिर्चों वाला, ये रही अपनी लाल मिर्ची, रंग भी लाएगी और जायका भी, थोड़ा सा और डालते ये डाल के हिला लेंगे अच्छी तरह, वो गिरने लगा था
इधर चाय भी उबर रही हो, बंद हो जाओ। हाँ ये चीज मेरे अजीज, इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, पानी सूख गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा तेल डालना बिल्कुल, इतना बहुत। और ये जनाब हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम डालते हैं अपने प्लेट में। हाय 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 मजेदार, ओए ओए होए 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 होए, मुंह में पानी आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो पूरे रमजान में मैंने आपको यही कहा है। चलो जी अब इसके ऊपर छिड़केंगे लीमू। तो आज पहला दिन ईद का भी ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गया है और इंशाल्लाह कल का दिन भी अच्छा जाएगा। और कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा, आज का व्लॉग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।